हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह हमारे पास हिटैची का ग्राइंडर है PDA-100L। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब हम इसको चलाते हैं तो स्पार्किंग बहुत करता है और हमारा ये लोड नहीं लेता है। अब जब हम इसमें कार्बन नया डालें तो हमारा कार्बन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हेड के पास चार स्क्रू लगे होते हैं, तो इसको हम खोल लेंगे। अभी हमारा ये आर्मेचर निकल गया है। तो दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं कि यह हमारा आर्मेचर यहाँ से ख़राब हो गया है। हमारा ये कम्यूटेटर ख़राब हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास पूलर है, इस पूलर से दोस्तों हम बैरिंग को निकाल लेंगे। तो दोस्तों, इस बैरिंग का नंबर है 608 नंबर। तो इससे हमारा पूलर से दोस्तों आसानी से हमारी बैरिंग निकल जाती है और हमारा आर्मेचर भी नहीं ख़राब होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूलर चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी एक बैरिंग निकल गई है। तो दोस्तों, हमारा ये दूसरा बैरिंग है गियर वाला, तो इसको एक बोल्ट लगा होता है, इसको हम प्लास से खोल लेंगे। फिर उसके बाद ये हमारा बोल्ट खुल जाएगा, फिर हम गियर को निकाल लेंगे और फिर हम बैरिंग को इस। दोस्तों, ये हमारे पास नया आर्मेचर है PDA-100D। तो दोस्तों, ये आर्मेचर हमारे पास एलिफेंट गोल्ड कंपनी का है। तो दोस्तों, इस आर्मेचर को हम नया लगाएंगे। तो दोस्तों, हमारा पुराना आर्मेचर ख़राब हो गया है, तो ये हमारा नया आर्मेचर है, तो इसको हम चेक कर लेंगे। हमारा सेम साइज है, तो ये हमारा सेम साइज है। उसके बाद दोस्तों, हम इस वायरिंग को लगा देंगे। दोस्तों, इस आर्मेचर में दोनों साइड वायरिंग लगती है 608 नंबर की। तो दोस्तों, ये जो लग रही है ये भी 608 नंबर की है। जो हमारा कार्बन साइड लगता है वो भी 608 नंबर की वायरिंग है। अभी हमारा दोस्तों ये लग गया है, तो अब इसको हम गियर लगा देंगे। फिर उसके बाद एक बोल्ट लगाकर इसको हम टाइट कर देंगे अच्छे से। इसको दोस्तों अच्छे से टाइट करिएगा, अगर लूज़ टाइट करेंगे तो हमारा आर्मेचर घूमेगा और हमारा गियर नहीं घूमेगा। तो दोस्तों, इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे, फिर उसके बाद दूसरी हम बैरिंग लगा देंगे 608 नंबर की। अभी आर्मेचर में दोनों साइड बैरिंग लग गया है और गियर लग गया है। तो दोस्तों, अब इसको हम फिट कर देते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारा कॉयल अभी फैसा ही है। तो दोस्तों, अब इसको हम फिट कर देंगे। इसमें कवर भी नहीं था दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे ही हम इसको फिट कर देंगे। ये हमने दोस्तों इसको लगा दिया है, फिर उसके बाद इसको हम हेड लगा देंगे। अभी हमारा हेड लग चुका है। तो दोस्तों, इसको हाथ से चेक कर लेंगे हमारा फ्री है कि जाम। तो दोस्तों, हमें हमारा ये फ्री है। तो दोस्तों, अब इसमें हम कार्बन लगाएंगे, लेकिन दोस्तों इस कार्बन का होल्डर टूटा है और इसका कैप भी नहीं है और हमारे पास इसका होल्डर भी नहीं है। तो दोस्तों, अब इसको हम जुगाड़ लगा कर लगाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम कार्बन लगा दिए हैं। अब इसके बाद दोस्तों, ये हमारे पास गत्ता है, कवर है आर्मेचर का, तो इसी का दोस्तों हम एकदम छोटा कर लेंगे और उसी के अंदर दोस्तों हम लगा देंगे। फिर उसके बाद हम इसको टेप लगा देंगे। दोस्तों, अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, इसमें हमारा कार्बन कैप नहीं था, तो इसमें हमने जुगाड़ कर दिया है, टेप से लगा दिया है। दोस्तों, अब इसको हम चलाकर चेक करेंगे। दोस्तों, अभी हमारा ये ग्राइंडर नए की जैसे चलने लगा है। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा कैसे हमने आर्मेचर को चेंज किया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।